हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक बेसिक चीज़ें करने वाले हैं। सभी बच्चे स्टैंडर्ड 10 से 11 12 में चले गए, तो आप लोगों को कुछ केमिस्ट्री के बेसिक एपरेटस के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ केमिस्ट्री किट्स हैं जो बच्चे कॉलेज में या हाई स्कूल में लैब में केमिस्ट्री लैब में जब इंटर करते हैं तो ये कंपल्सरी किट्स हैं जिनको लेकर जाना। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि ये 150 का आ जाता है, ये बच्चों को इसके नाम नहीं पता होते। तो चलो ए वन बाय वन इन एपरेटस के नाम देखते हैं और इनको किस तरह से यूज करते हैं वो भी देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने खोला एपरेटस, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये कांच का, आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर जैसा, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास के अंदर हम लोग मिक्सचर को लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरा आता है टंग। इस टंग का जो यूज होता है, एक्चुअली इस टंग से हम अगर कोई चीज गर्म है जैसे पेट्री डिश है, चाइना क्ले, या आपने वॉच ग्लास में कुछ रखा है तो उसको इस तरह से टंग के जरिए पकड़ सकते हैं। जैसे किचन के अंदर पकड़ होता है ना, ये बिल्कुल पकड़ के जैसा ही काम करता है। तो अब देखते हैं दूसरी चीज, यहाँ पर लाइटर भी है। बच्चों को कैरी करने बोलते हैं कि बर्नर को ऑन करने के लिए केमिस्ट्री लैब में लाइटर की जरूरत होती है। 10 रुपये का लाइटर आ जाता है, ये केमिस्ट्री किट्स के साथ अवेलेबल होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है एल्यूमिनियम का ये होल्डर, होल्डर पेन भी बोल सकते हैं, पेन की तरह ही है। इस होल्डर पेन में एल्यूमिनियम लगा होता है, एल्यूमिनियम का वायर। इसके जरिए हम केमिस्ट्री में जो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर मिक्सचर में अलग अलग कलर होते हैं और वो कलर उनके एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो इसे यहाँ पर लगाकर मिक्सचर में हम मिक्सचर लेंगे इस वॉच ग्लास में, इसके जरिए फ्लेम में लगाएंगे और जो कलर आएगा वो डिटेक्ट करेंगे कि वो कलर के बेस पे कौन से टाइप का मेटल से कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है ये औजार, काफी अजीब सा दिख रहा है, चिमटा जैसा लग रहा है, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। और ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, तो ये पैकेट में दिया हुआ है, काफी अच्छे से दिया हुआ है पैकेट में, केमिस्ट्री किट काफी काम की चीज है। और ये जो ब्रांड आपको दिख रहा होगा बोरोसिल ब्रांड का जो टेस्ट ट्यूब है बहुत अच्छा होता है। इस बोरोसिल के टेस्ट ट्यूब को आपको इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में लेना है, यानी ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर बना है ये स्पेशली टेस्ट ट्यूब के लिए बनाया गया है। क्या होता है कि जब आप हीट करते हो बर्नर में टेस्ट ट्यूब को, तो ये बहुत गर्म हो जाता है, तो ऐसे में आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते, ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। तो उस वक्त इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से इस तरह से इसको टाइट करते हैं इसमें लगा कर, और इस तरह से आप डिस्टेंस करके आसानी से इस टेस्ट ट्यूब को हीट कर सकते हैं, है ना, काम की चीज़ है। अब इसके बाद आता है ड्रॉपर। ड्रॉपर का काम क्या है कि आप मान लो एसिड ले रहे हैं या कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है जिसको डायरेक्ट आप बीकर से नहीं डाल सकते, तो आपको कुछ मात्रा में ड्रॉप्स लेनी है। तो इस ड्रॉपर में रेंज लिखी है 0, 1, 1.5, 2, इससे आप ड्रॉपर से आसानी से इस टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन को डाल सकते हैं। तो ये और एक आखिरी चीज, सेकंड लास्ट चीज है ब्लो पाइप। ब्लो पाइप ये बिल्कुल जैसे गांव में होता है ना जो लकड़ी को जलाने के लिए फूंकते हैं, ये फुकनी जैसा ही है। इस ब्लो पाइप के जरिए चारकोल कैविटी टेस्ट किए जाते हैं, इसके जरिए जो चारकोल होता है उसमें मिक्सचर डाला जाता है और इस ब्लो पाइप से उस मिक्सचर को हीट दिया जाता है, हीट को पास किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये है लास्ट स्पैचुला। स्पैचुला में दो साइड्स होते हैं, एक ये वाला साइड, एक ये साइड। ये साइड देख के लग रहा है इससे मिक्सचर उठा, ये मिक्सचर को उठाने के काम आता है। जैसे मान लो आपको इस वॉच ग्लास में मिक्सचर दिया है तो इसके जरिए वो मिक्सचर को आप उठा के टेस्ट ट्यूब हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकते हैं। ये साइड से भी आप मिक्सचर उठा सकते हैं या मिक्सिंग भी कर सकते हैं। मोस्टली ये वाला जो साइड होता है वो मिक्सिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग पैकेट में अगर देखें तो काफ़ी 4 टेस्ट ट्यूब केमिस्ट्री किट में आते हैं और ये पूरा जो केमिस्ट्री किट्स है ये लगभग 130 रुपये से लेके 150 रुपये का आ जाता है। ज़्यादातर कॉलेजेस में या हाई स्कूल में ये कंपलसरी किट्स होता है। केमिस्ट्री लैब में आप जा रहे हो, लैब कोट तो कंपलसरी है ही, जर्नल तो कंपलसरी है, इसके साथ साथ ये केमिस्ट्री किट भी कंपलसरी है। ये कुछ बेसिक्स अपैरेटस है, इनके नाम आपको याद कर लेना है। और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट अजीम सर।